पाकिस्तान तुझे तुझे पाकिस्तान दियो जी हां क्या जगह रे मम्मी दादा सब जान याद कहने कितने दिन नमस्कार पल पल में आपका स्वागत है मैं आप हम आज आपको मिलवा रहे हैं एक वृद्ध महिला से जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए उस समय जो हालात थे उनका ब्यौरा ये आपको थोड़ा सा अपने बताएं। नमस्कार माता जी। तुसी पाकिस्तान चो आए केड़े स्थान चो आए पाकिस्तान जो हिंदुस्तान थे पाकिस्तान बनिया सीगा तुसी उदो हिंदुस्तान ही चाहे लेकिन उस टाइम तुसी कितने साल दे सीगे मैं 20 साल दे सी जेड़ा लिखे आ जेड़े थे आयो पाकिस्तान सारी नौकरी थी जी हां जी हां पटवारी सी दे पिता जी 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 हर तुसी जेड़ा जेड़ा हादसा देखया तुसी अपनी अखां नाल देखया जदो हिंदुस्तान ते पाकिस्तान बनया तुसा क्या देखा जी आपस में बड़ी जंग पई जी हां फिर सरहद दी लाहौर बनी जी हां ए हिंदुस्तान से पाकिस्तान ने जेर वेले थी आए पाकिस्तान को बस ते उते पेंडे च रहंदे थे जी हां फिर अच्छा शहर आए बस उते उस ले के मोटर से लेने आए जी हां फिर अच्छा शहर आए जेरे में शुक्र है तुम हालत का जी हां पता नहीं एक ईमेल है मेरे पिताजी सरदार जी उन्होंने गुरुद्वारे जाके अरदास की थी कि हे सच्चे पातशाह मेरे बच्चे सही सलामत चले जा ते मैंने घर कोई चीज की लोड़ कह घर भरे छोड़ के आए सोना इवें पिया पर इन्हें अरदास की थी मेरे पिता जी ने गुरुद्वारे कि हे सच्चे पातशाह बस मैं बच्चा ना सही सलामत जावा और मैंने और क्या तुसी ओ जो सरदार सी उन्होंने ओके अपनी जान दा खतरा सीगा तानो ही मुसलमान तांग कर दे हन तानो मुसलमान तांग कर दे हन ना ना अच्छा तांग के नहीं अच्छा वेन दुनिया कहंदी सी पर शुक्र है पता नहीं मालिक ने सानू की बचे ऐसा कोई तंग नहीं होए कुछ नहीं होए इत्थे जेरे ले आए हैं ना ए मेरे ख्याल है सरहद लाहौर है ना जी हां हैं जी हां मैं हूं ना गल कई खोलू ही नहीं मेरे को अटारी आया पहले अटारी आया अच्छा जी हां हां गड्डी ते आए हैं जी हां अटारी गड्डी रुकी आई ए हम मैं कुछ याद करनी अटारी रुकी हां हां अटारी रुकी होनी है याद कहन फिर उठ बाद किथे रहे अच्छा जी हां अच्छा रहे एदे पिता जी ते नौकरी लगी ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੜਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੇ ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪੇਕਿਆਂ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੈਡ ਆਫ ਪਿੰਡ ਅੱਛਾ ਕਈ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੋਬੇ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੰਨ ਟੋਬੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੋਬਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਚੰਨ पीछे तोड़े पिता जी क्या काम करते हैं कोई काम नाम करते कुआं से जाने जमीन अच्छा जमीन ना जमीन ना अच्छा मेरे हम तो ताया जी से देने ना बड़े जी हां जी हां अब कैसे देने दे सब बड़े पिता जी जी हां ओ मेरे मेरे बड़े पिता जी हैं ना जी हां ओ हिंदुस्तान से पाकिस्तान से बन कल पहले अमरा हां ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵੈਸੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ
कितने बहन भरा हो तुसी? बुड्डू बहर कौन है? तुसी कितने बहन भरा हो? अच्छा एक बहन भरा से। अच्छा भरा तो वड्डा ही थोड़े तो? नहीं हाँ छोटा है वो गुजर कौन गुजर गए। अच्छा पता नहीं महीना होए कितना के हो जी वो कौन गुजर वो मेरे पास। कितने साल छोटा है थोड़े तो? ये याद कहनी है तो 10 साल। हाँ जी हाँ 20 साल देखी। अच्छा 20 साल ले आओ। हाँ नौकरी ये दे वैसे बेटा सा कोई शक्ति नहीं दिखी। पिछे जरा तोड़े परिवार आई तोड़े सेलियां जरा अड़ोस पड़ोस से उन्हें याद आंधी तो नो कभी याद कर दे उन्हें जाना पाकिस्तान मिलन वास्ते नहीं कोई हिंदुस्तान आईया उन उठो वापस पाकिस्तान वाले तो उन कोई मिले उन पता ही नहीं होता बेटा कोई कल जल्दी जा कोई नहीं याद आ होते वैसे ही मैं गल करें दिख रहे हैं भूल जानी थक जाते हो गल करते हैं मुंह थक जाता है मुंह नहीं थकता भूल जाते हो भूल जानी अंदर दिमाग भूल जाते हैं गल करें दी बैठी होने वाल भूल जानी पता वैसे हो तो भैया ठीक रहती थोड़ी कोई तकलीफ तो कोई नहीं गोडे रुक गोडे रुक वैसे ठीक हो शुगर बीपी सब ठीक है ना वो तो ठीक है शुगर है मालक का शुगर की गोली रोज खानी है सांस चढ़ता है मेरी बात क्रैक हो गई कोई थोड़े पिछले याद आंदे हो कोई सहेलियां या कोई पिछली खेडा कोई थां याद आंदी हो नहीं सारे बेटे स्कूल ही कहना उन्हें वैसे स्कूल ते हैं मेरी माँ पढ़ी हुई है माँ थोड़ी पढ़ी हुई है मेरी माँ जड़ी है वो शहर दे रहने वाले हैं जैसा पिंड दे रहने वाले आते ते पिंड दे रहने वाले सी माँ थोड़ी सी तुझे शहर क्यों भी रहने सी वो शहर दे रहने सी वो उन्हें भाई के शहर रहने सी जी मैं जी मतलब ये पिंड वाले ते वो पढ़े सी पांच फिर उन्होंने वो कहते सी भी नौकरी लवान मेरे पिता जी ने कहा सानू क्या लोड़ है नौकरी दी सारे अपने जमीन है डे पाई जी ते तुसी गए नहीं स्कूल तुसा पढ़े नहीं अब तो पंजाबी घर पढ़े पंजाबी पढ़े कितने साल हो गए पिता इन गया सिर्फ चार मकान से बंटी।